तो चारों बाइकें यहाँ लाइनअप हैं। 350 cc की बाइक मैं चलाऊंगा और हमारे गुड्डू भाई उर्फ शिवम, अरे आर्म हंटर गुड्डू व्लॉग्स, तो ये चलाएंगे पल्सर 150, इनकी है BS6। कुंदन भाई चलाने जा रहे हैं अपाचे 180 और हमारे आरव भाई चला रहे हैं RC 125। क्या बात है गुड्डू, अबे फंस गया। सबसे तगड़ा लोग, अरे आरसी देखो भैया, अरे माखा साखी लाखा आरसी बीएस हो रहे, ये भी आ गया बगल में। हाँ भाई सबसे पीछे हुआ है, क्या बात है, रेडी टू रेस। ओहो नॉक नॉक, तेरा बाप आया। आरसी को पकड़ना है मुझे, आरसी भाई साहब, आरसी लेजेंड है BS4 आरसी। लेकिन 180 को पिछाड़ नहीं पा रहा हूं मैं, ये तो धीमे कर दिया है। जिसने धीमे किए दो बार गाड़ी, तब वो आगे निकले हैं। आरव विनर है, RC 125 क्लियर विनर है यहाँ पे BS4 में, बट आरव ने धीमे कर दी, उसके बाद कुंदन भाई निकल गए ले। तो इस बार कुछ राइडर हम करेंगे स्विच, और जैसा कि मैं चला रहा था अभी तक क्लासिक 350, अब आरव चलाएगा, मैं चलाऊंगा ये अपाचे 180। मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत लोग ये ना कहने लगे भाई ये 160 है, तो ये देखो यार ये अपाचे 180 ही है, कोई कमेंट ना करे कि 160 है भाई। और कुंदन भाई 125 चलाने जा रहे हैं RC, और गुड्डू भाई चलाएगा, गुड्डू पंडित। ये बंदा लॉन्च बहुत बढ़िया कर रहा है, क्या बात है। देखो मैं पीछे हो गया, देखा मैंने कहा था वेट का असर पड़ेगा यहाँ पे। कुंदन भाई पीछे हो गए, इस बार पीछे हो गए, और किंग मैं हूँ यहाँ चैंपियन। वेट का असर पड़ गया, और इस समय है सूरज सबसे आगे, और कोई बात नहीं मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि ये आरसी बहुत तगड़ी चलती है। आ रहा है, ये निकला, स्विच स्ट्रीमिंग का फायदा लो। अरे बहुत तेज निकल गया ये तो, क्या बात है भाई साहब, उड़ा जा रहा है एकदम। आगे सब पीछे, अपन है आगे एकदम, अपन पिल्लो को अपन मिस कर रहे ला है। 133-134 पहुंचा दिए मैंने, अरे माँ का जीना, हफ्ते जीतोगे अब भी खिलाड़ी खिलाड़ी। अरे फिर आगे निकल गया, क्या बात है भाई, बगल में टिका रहना है तुम।
क्या बात है, गाड़ी आ गई वरना भाई तुम्हें अपन चीर देता। तेरा गाड़ी आ गई अपन चीर देता तुम्हें, पीछे था अब थोड़ा सा तो वो करेंगे ही। ऐसा कुछ नहीं होता, हरा देखो हरा देता मैं। तो इस बार जो बुलेट थी वो लास्ट आई, ये थर्ड आ गई, बट अब मैं यही चला रहा हूँ। मुझे चैलेंज है आरसी को हराने का, बाकी इन दोनों लोग खेलते रहे आपस में। तो चलते हैं, ना ना बुलेट सबसे पीछे, ये सब नहीं काम ठीक नहीं है। आ रहा है, मुझे तब तक बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेनी है ताकि आरव को टक्कर दे सकूं, क्योंकि उसका वेट हल्का है। सबसे पीछे बुलेट, सबसे पीछे बुलेट है भाई। और अगर वो एक बार निकल गया तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। आ रहा है, आ रहा है, अब इसके बगल में लगाऊंगा और ट्रिक यूज करूंगा। देखो स्पीड, देखो कैसे बढ़ती है, देखा। अरे यार ये तो यहाँ आप देख सकते हो आरसी जो है वही विनर है, फर्स्ट नंबर पे थी पूरे टाइम, बट ये पीछे लगी रही स्लिप स्ट्रीमिंग का यूज करके। अकेले नहीं, अकेले की दम पे बहुत कम हो जाती,
स्लिप स्ट्रीमिंग का यूज करके ये इतना पास में आई। तुमने शीशा पकड़ लिया बीच में एक्सीलेटर छोड़ के। तो इस हाथ से करना चाहिए था तुम्हें। बुलेट तुम हरा दिए। हरा क्या दिए भाई, भागी नहीं तो क्या करें। हमने इसे तीसरे नंबर पे रखा यार भाई, तीसरे नंबर पे आ जाता लेकिन भाई ये वेट एडवांटेज। तो आप लोगों ने देखा कि आरसी जो है वो यहाँ पे चैंपियन है। आरसी 125 BS4 काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, BS6 बहुत स्लो हो गई है, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई। इससे पहले वीडियो मैंने आपको दिखाया तो उस लेवल का परफॉर्म ही नहीं कर पाई वो जिस लेवल का उसे करना चाहिए था। बट यहाँ अपाचे ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। 180cc की बाइक आरसी के बगल में टिकी रही जबकि 160cc तक की कोई भी बाइक इसको हरा नहीं पाती है। हरा तो ये भी नहीं पाई लेकिन टिकी रही बगल में, बहुत ही करीब थी। थर्ड नंबर पे हमारे आए गुड्डू भाई, एकदम तहलका मचा दिया। फोर्थ नंबर पे बुलेट आई इस बार। तो वेट के हिसाब से, जो वेट और शिफ्टिंग के हिसाब से रिजल्ट बदलते रहते हैं, थोड़े बहुत अंतर आते हैं। बट यहाँ पे इन दो बाइकों का काफ़ी क्लोज कंपटीशन है। बट अगर हकीकत में फास्ट की बात करें बिना स्लिप स्ट्रीमिंग के तो आरसी बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ़।